नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं महिला आरक्षण विधेयक की। आपको जानकारी दें कि महिला आरक्षण बिल पर लगातार लोकसभा में जारी है बहस। तो महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस की ओर से सबसे पहले सोनिया गांधी ने भाषण दिया और उसका समर्थन करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कानून बनने के बाद राजीव गांधी का सपना होगा पूरा, ये कहा गया सोनिया गांधी की ओर से। तो महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में लगातार बहस जारी है और इन सबके बीच में सोनिया गांधी ने भाषण दिया और कहा उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए कि कानून बनने के बाद राजीव गांधी का सपना पूरा होगा। तो लगातार महिला आरक्षण बिल पर दोनों ही सदनों में लगातार कार्यवाही चल रही है और इस खबर से जुड़ी एक एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो सोनिया गांधी की ओर से तमाम बातें कार्यवाही के दौरान रखी गई हैं और शाम 6 बजे तक की कार्यवाही चलेगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर लगातार चर्चा चल रही है, लगातार बहस जारी है और सोनिया गांधी ने बिल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और सोनिया गांधी की ओर से कहा गया है, पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में कड़ी हुई। धुएं से बड़ी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को